यान इधर देखिए, व्हाट आर यू डूइंग? वर्किंग। अच्छा हाय तो कर लीजिए, सलाम तो कर लीजिए नेबर्स को। सही से बोलिए, शेक हैंड मुझसे कर लीजिए। कैसे हैं आप सब? हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस वक्त 4 बज रहे हैं और अभी हमने रजान को बिठाया है काम करने थोड़ा बहुत, क्योंकि पेपर ख़त्म हुए जब से कुछ कर पा नहीं रहे थे। आज थोड़ा सा काम कर लें। अभी ये क्या कर रहे हैं, महीनों के नाम उर्दू ही में वीक होते हैं, इसलिए मैंने कहा उर्दू ही थोड़ा कर लें। और हम तैयारी कर रहे हैं साथ में कुछ बनाने की। पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने तैयारी की है। ये मैं बना रही हूँ मीठी टिकिया, क्योंकि अजलान बहुत पीछे पड़े हुए थे और पीछे पड़ पड़ के वो तो सो गए हैं। अब उन्हें उठाएंगे क्योंकि फारी साहब भी आने वाले हैं। जब तक मैं रेडी करती हूँ ताकि मैं उन्हें सरप्राइज़ दे सकूँ, ठीक है। चले इसके मैं मीठी टिकिया के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। ये है 2 कप मैदा, 1/2 कप सूजी, 1/2 कप दूध, 1/2 कप ऑयल, 1/2 कप शुगर, या थोड़ी आप शुगर और बढ़ानी चाहें तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, और 10 इलायची और थोड़ा सा नारियल। और ये हमें चाहिए होंगे कटिंग करने के लिए, हमारे पास ये है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। चलें अब हम मैदा इस सब चीज़ों में एक बाउल ऐड कर लेंगे। दो कप मैदा लिया हमने, 1/2 कप सूजी लेंगे, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा इलायची हमें ग्राइंड करनी है, अभी हम ग्राइंड करते हैं। और इसमें हम सवा नारियल भी ऐड कर देंगे और 1/2 कप शुगर भी ऐड कर देंगे। सारी ड्राई आइटम जो सारा है वो हमने ऐड कर लिया इसमें। इलायची रह गई है वो भी हम ऐड करते हैं और इसे हम इस तरह से मिक्स करके करते हैं। बिल्कुल खाते हैं। चलिए हमने अपना ड्राई आइटम सारा मिक्स कर दिया, इलायची भी हमने मिक्स कर दी है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे, दूध को ऐड करके मिक्स करते हैं और फिर घी ऐड करके मिक्स करके भून कर आपसे मिलते हैं। ये देखें दूध और घी को हमने मिक्स किया तो इस तरह हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसकी अच्छी सी हम डो बना लेंगे। हमने अपनी डो तैयार कर ली है, अब इसे हम रेस्ट देंगे थोड़ी देर, 1/2 घंटा कम से कम। और इसके बाद हम इसकी टिकिया बनाना शुरू करेंगे। ये डो को इस तरह बेल लिया है छोटी कर देखिए। अब इसमें हम टिकिया आप चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं। हाँ हम इसमें मिक्स मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी और कुछ हार्ट शेप की। अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। अभी एक साइड फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसे पलटाएंगे। हमने एक साइड पलटा दिया था, अब हम ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। ये हम इसे निकालते हैं। रेडी हो चुकी हैं, हम नेक्स्ट स्टेप डालेंगे। अब हम कुछ हार्ट शेप के बनाएंगे।
देखें आयशा, ये अब हम इसे हमें हमें अभी हमें सरप्राइज़ भी देना है अजमान को, जल्दी से बन जाए फिर हम सरप्राइज़ देते हैं। ये देखिए अब हमारे हार्ट शेप के फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए ये हार्ट शेप बनाया हमने। डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हैं, आजकल तो एनिमल्स के भी बहुत से शेप्स मिल रहे हैं, स्टार मिल रहे हैं, तो डिफरेंट शेप्स के भी बना सकते हैं टिकिया, वरना तो मेनली टिकिया होती तो राउंड शेप की है। हमारी टिकिया, मीठी टिकिया रेडी है और अभी हमारी लाइट भी जा चुकी है, अब हम अजलान को बुलाते हैं। पहले मैं लाइट ऑन करती हूँ, फिर मैं अजलान को बुलाती हूँ। चलें ये देखिए रेडी हो चुकी हैं, ये राउंड शेप की हैं और ये हार्ट शेप बनाई है मैंने, और अब देखें अजलान और रैयान को बुलाती हूँ मैं। अजलान, रैयान, रैयान भाई को लेकर आइए, दोनों आते हैं पहले दिखाते हैं। रैयान को पता था, अजलान आप लोगों की फेवरेट है ना ये, तो हार्ट वाला मैंने कहा हार्ट वाला ये नहीं ना आपकी, आपने कहा था ये रैयान की फरमाइश पर हार्ट शेप बनी है, और अजलान को तो जो मिल जाए बस मीठी टिकिया होनी चाहिए अजलान के लिए, है ना? चलिए सही है, सही है, अभी मैं देती हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, चलें अभी हमें जाना है डॉक्टर के पास रैयान को लेकर, के कान में ना इन्होंने क्या डाला है रैयान, ठीक है, इन्होंने कान में कचरा चला गया था, तो वो कचरा क्या कागज़ डाल लिया था, वो हम निकलवाने जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास रैयान को लेकर, उनका कान दिखाने, देखो हम पहुंच चुके हैं और वेटिंग में बैठे हुए हैं, रैयान से ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या होता है। ये डॉक्टर ने उन्हें उनका कान चेक किया रैयान का, लेकिन जो कागज़ था वो स्मॉल पीसेस में हो गया है, तो उन्होंने नहीं निकाला है, अभी बस ड्रॉप्स दे दिए हैं, अब वो हम डालते हैं, फिर देखते हैं दो तीन दिन में क्या होता है, फिर जाएंगे एक दो दिन बाद, फिर दोबारा दिखाएंगे। चले अब हम अपने ब्लॉग के यहीं एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं दो में।